नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपने कहावत सुनी होगी कि मोर जब तक नाचता है तब तक मोर नाचता है, लेकिन मोर जब अपने पैर देखता है तो मोर रोता है। और ये कहावत नरेंद्र मोदी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठेगी। आज योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अभी घटेगी बढ़ेगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो बताएंगे आपको आखिरी में। लेकिन एक ऐसी करारी हार वाराणसी के अंदर, ऐसी करारी हार हुई है जो नरेंद्र मोदी के सीधे यहां पर जाकर के लगेगी। ऐसी करारी हार हुई है, और उस सीट पर हम गए थे और उस सीट पर हमने दिखाया था कैसे बीजेपी के बूथ पर भूत नाच रहे थे, और आखिरकार वही हुआ जो ग्राउंड रिपोर्ट में था। बस ये जो सिनेरियो था, ये सिनेरियो दूसरी सीटों पर नहीं दिखा। हम बात कर रहे हैं वाराणसी की दक्षिण विधानसभा सीट की। वाराणसी के अंदर दक्षिण विधानसभा की सीट, वो विधानसभा की सीट है जहां पर काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है, बाबा विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर बना है। उस सीट के ऊपर बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। 4000 वोटों की बड़े अंतर से बीजेपी पीछे है, सुबह से पीछे है, लेकिन अभी तक जो लीड है वो टूट नहीं पा रही है। और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे कैसे बीजेपी के बूथ पर लोग नहीं थे। और ये मोर वाली बात मैं क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा, और यहां पर ये तीर क्यों लगा है मोदी के ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा एक बार आप झलकी देखिए, झलकी आप देखिए कि कैसे जो है वो बीजेपी के बूथ पर भूत नाच रहे थे। कि आप ट्वीट आप देख लीजिए, सौरभ शुक्ला ने ट्वीट किया है, वाराणसी दक्षिण से सपा के किशन दीक्षित 52,438 वोट से आगे चल रहे हैं, और इस वक्त में मुदिता अग्रवाल जो है उनको 1183 वोट मिले हैं। भाजपा के हैं नीलकंठ तिवारी, मौजूदा विधायक हैं, दोबारा से उम्मीदवार बनाया, 49,020, 3418 वोट से किशन दीक्षित समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और ये वही सीट है जहां पर ईवीएम पकड़ी गई थी, जहां पर पहाड़िया में ईवीएम पकड़ी गई थी, और फिर कैसे जो है वो हंगामा हुआ, पूरी रात बनारस सड़कों पर उतर आया, और उसके बाद में इस सीट को कैसे समाजवादी पार्टी ने बचाया, वो सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन चुनाव कैसे हुआ इस सीट के ऊपर एक बड़ी झलकी आप देखिए। ये वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाया, हिंदुत्व की, काशी विश्वनाथ मंदिर की तमाम बातें प्रचारित प्रसारित की गई। लेकिन वहां पर जहां पर बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा करके लड़ रही है, और यहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं नीलकंठ तिवारी, उन्होंने हाथ जोड़ करके अपील करते हुए कल एक वीडियो भी पोस्ट किया कि आप मोदी जी को देख करके वोट दीजिए। तो यहां पर लड़ाई मोदी जी वर्सेस सपा हो रही है। तो यहां पर आखिरकार क्या है, सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह लोग जो है पहली वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन एक अजीब नज़ारा आप देखिए, अजीब नज़ारा आप ये देखिए। ये है समाजवादी पार्टी का बूथ, समाजवादी पार्टी का बूथ आप देखिए, और लोगों की संख्या आप देखिए, लोगों का हुजूम आप देखिए। और यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा साइड हो जाइए, यहाँ पर आप देखिए, ये है बीजेपी का बूथ, ये समाजवादी पार्टी का बूथ है, और यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी। इधर जरा आप दिखाइए, थोड़ा थोड़ा इधर दिखाइए, ये है 389 शहर दक्षिण विधानसभा सीट वाराणसी, और 1 2 3 4 5 6 क्या लग रहा है आपको, आपके बूथ पर लोग तो नजर नहीं आ रहे हैं? हमारे बूथ पे सारे लोग हैं, आपको नजर नहीं आ रहे तो इधर घुमा के देख लीजिए, इधर घुमा के दिखाइए, देखिए ये कौन सी तरफ घुमाया, आप बताओ उधर ही घुमा दे, ये वोटर नहीं है। अरे तो बूथ पर कार्यकर्ता भी नहीं है, कार्यकर्ता इतने आप घुमा के देख लीजिए, हकीकत सही नहीं है, आपकी जमीनी रिपोर्टिंग सही नहीं है, तो बाद में क्यों नहीं दिख रहा? आप संख्या देख के माहौल बना रहे ना, ये हम तो आदमी देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आखा है कि हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता वोट निकालने के लिए बाहर घूमते हैं, इनके कार्यकर्ता जितना आप देख रहे हैं मजमा, यदि इसमें 10% इनके यहाँ के मतदाता हो, मोदी जी का गढ़ हुआ यहाँ पर, इतना कार्यकर्ता कैसे, आप इस बूथ को नोट कर लीजिए, 92-93 टोपी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, हमारी बात सुनिए, बोलने दीजिए इनको, 92-93 बूथ हम लोगों का है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे नीलकंठ तिवारी है, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, वो कह रहे थे कि मोदी जी को यहाँ पर उनको लेकर भी, क्या कहेंगे आप? मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, आप बताइए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी यहाँ अठे मतों के बीच कर रही है। फर्जी वीडियो है ये 100% है वो फर्जी वीडियो। आप जानते ही होंगे फर्जी अर्जी कितने चल रहे सपा प्रत्याशियों के भी चल रहे फर्जी वीडियो। ग्राउंड रियलिटी पर जो आपने देखा आज वो नतीजों में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए बीजेपी यहां पर पीछे है। और यहां पर मैंने क्यों कहा कि मोदी जी की जीत सीधा यहां पर चुभेगी, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के जो मौजूदा विधायक यहां से हैं नीलकंठ तिवारी, और ये पहले दो दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, वहां पर जो लोग हमें मिल रहे थे वो कह रहे थे कि नीलकंठ तिवारी ने 5000 करोड़ रुपए खा लिए हैं। 5000 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने अपना पूरा अपना जो भी मकान है या जो भी चीज है उन्होंने 5000 करोड़ रुपए इस पूरे विधायक के कार्यकाल में जो है वो खा लिया, गबन कर लिया है। और ये काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना, ये बना वो बना, लोकल लोग वहां के लोग कह रहे थे, और यहां तक कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी नाराज थे। लेकिन कमाल की बात ये है जिस जगह से ये खबर आ रही है और जिस जगह पर बीजेपी हार रही है उसी जगह का एक बना करके, उसी जगह को धुरी बना करके तमाम अलग अलग सीटों पर जो है वो हिंदुत्व का कार्ड चला गया। लेकिन वहां के लोग समझ गए जहां पर ये घटना हुई, जहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बाकी लोग जो है वो मुगालते में रह गए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि जीत नासूर की तरह से जो है बन जाएगी। आप देखिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपना कद जो है वो बड़ा बना लिया। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देखिए मैंने पूरा प्रदेश जितवा दिया, लेकिन मोदी जी अपने गढ़ में, अपने संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं करवा सके, तो बड़ी हार है ये। और दूसरी बड़ी बात ये है कि बीजेपी के लिए यहां पर जो है बड़ा झटका ये है कि बीजेपी एक तरह से यहां पर जिस तरह से मोर की मैंने जो उदाहरण दिया था कि बीजेपी नाचती हुई दिखाई देगी, लेकिन इस बात का जिक्र कोई नहीं करेगा टीवी के ऊपर कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर जो है वो क्लीन स्वीप नहीं करवा पाए, यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहेगा। और कैसे वाराणसी के अंदर क्या क्या चीजें हुई वो सब आपके सामने है। तो बहरहाल बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। अब लोग इस पर कितनी चर्चा करेंगे, कितना इसको आगे पहुंचाएंगे वो तो लोगों के ऊपर है, आपके ऊपर है, लेकिन बीजेपी को सोचना जरूर चाहिए कि जहां पर मंदिर बना वहीं पर लोगों ने वोट नहीं दिया, वहीं पर बीजेपी हार गई, तो इसके पीछे वजह क्या है। एक कहावत यह भी कही जाती है कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, या तो आपके परिवार के लोग बता सकते हैं या आपके पड़ोसी बता सकते हैं। बाहर के लोगों के लिए तो आप चमकते धमकते रहते ही है, बाहर के लोगों के लिए तो आप जैसा बनावटी अपने आप को बना करके रखेंगे वैसा आपकी पहचान बन जाएगी, लेकिन आपके घर के लोग और आपके पड़ोसी आपके बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आप कितने बहरूपिये हैं और कितने असलियत में, सच्चाई में सही इंसान। तो बहरहाल यहां पर बीजेपी के एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ परिणाम होंगे वो लगातार आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।